हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडी। आज है 5th ऑफ अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई। आपके ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा, लेफ्टिनेंट जनरल राजश्री राम सेतु या फिर लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर। आपको बताना है कि मेडिकल सर्विसेज में डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बन गई है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। आप यहाँ देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज डीजी मेडिकल सर्विसेज एंड सी एज्यूम्ड द ऑफिस ऑन 1st ऑफ अगस्त दिस ईयर। अर्लियर सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज एंड सी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड एंड ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 30th to 31st of July 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 30 और 31 जुलाई 2024 तक राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये फोर्थ एडिशन रहा है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल इन कोलेबोरेशन विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अदर कोलेबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वर CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू डेली एंड अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच सेक्टर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिटेड 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। आपके ऑप्शन है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल, सेमीकंडक्टर एंड रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत सरकार ने 100% जो FDI है उसकी अनुमति दी है ऑटोमेटिक रूप से किस क्षेत्र के लिए। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अनुमति मिली है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% FDI वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर MRO सेक्टर एंड दिस मूव एम्स टू बूस्ट द डोमेस्टिक MRO इंडस्ट्री एंड इनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन एविएशन सेक्टर। अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5% IGST विल अप्लाई टू द इम्पोर्ट ऑफ पार्ट्स, कंपोनेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट, टूल्स एंड टूल किट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द पॉलिसी चेंज फोस्टर्स इनोवेशन इफिशियंसी एंड द क्रिएशन ऑफ अ रोबस्ट एविएशन सेक्टर। इसके साथ ही कुछ और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर 100% FDI
की छूट दी गई है थ्रू ऑटोमेटिक रूल। उनमें शामिल है एजुकेशन, टाउनशिप्स, फूड प्रोसेसिंग। आपने देखा कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, इसको हाल ही में छूट दिया गया है। इसके साथ ही इसमें स्पेस सेक्टर भी शामिल है। अदर सेक्टर्स की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, एयरपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट कीथ रे, रुचिरा कंबोज, मार्क रोट या फिर पी यांग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रॉबर्ट कीथ रे। आप यहाँ देख सकते हैं रॉबर्ट कीथ रे कैनेडाज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 1 ईयर, जो कि 2024 से 2025 तक इस पद पर रहेंगे। एंड ही इज करेंटली सर्विंग एज द चेयर ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एज अ एडवाइजरी ग्रुप ऑन हैती। एंड ही सक्सीड्स पॉला नॉर्विज ओजिरा ऑफ चिले, हु हेल्ड द पोस्ट सिंस जुलाई 2024। रॉबर्ट की रेत की बात करें तो वर्तमान समय में ये कार्यरत थे एज अ एडवाइजरी ग्रुप ऑन हैती, और इन्होंने हाल ही में हराया है पॉला नॉर्विज को, जो कि चिले से संबंधित। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसको फाउंड किया गया था 1945 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द पोर्टल दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर मैनेजिंग द अप्रेंटिसशिप लाइफ साइकिल एक्टिविटीज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षुता जीवन चक्र गतिविधियों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शन है सायुज नेट, कर्मा लाइफ, जन समर्थ या फिर NATS 2.0। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है NATS 2.0। आप यहां देख सकते हैं ऑन जुलाई 30, 2024 द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड द नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल इन न्यू दिल्ली। एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव स्टाइपेंड्स ऑफ ₹100 करोड़ हैज बीन डिसबर्स टू यंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। एंड दीज अप्रेंटिसेस आर रिसीविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। सो आप ध्यान रखेंगे इस पोर्टल का पूरा नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिवर रिजुबिनेशन प्रोजेक्ट देविका इज बीइंग अंडरटेकन इन विच स्टेट और क्यूटी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नदी पुनर्जीवन परियोजना देविका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है।
आपके ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या फिर गोवा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। आप यहाँ देख सकते हैं, रिवर रिज्यूमिनेशन प्रोजेक्ट देविका इज नियरिंग कंप्लीशन एंड इट इज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर 190 करोड़ रुपीज ऑन द लाइन्स ऑफ नमामि गंगे। अर्बन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अंडरटेकिंग टेकिंग द प्रोजेक्ट एंड आउट ऑफ द 190 करोड़ फंड्स अलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट द शेयरिंग ऑफ अलोकेशन इज इन द रेशियो ऑफ 90-10 बाई सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी रेस्पेक्टिवली। सो देविका रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है और इसको लॉन्च किया गया था फ़रवरी 2019 में और इसका गोल है टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजय कुमार भल्ला हु हैज बीन इन द न्यूज होल्ड्स विच पोजीशन इन इंडिया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहने वाले अजय कुमार भल्ला भारत में किस पद पर तैनात है। आपके ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट जज, यूनियन होम सेक्रेटरी, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये वर्तमान समय में केंद्रीय गृह सचिव हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, द सेंटर गेव अनदर एक्सटेंशन टू यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला टिल अगस्त 22, 2024 अकॉर्डिंग टू अ नोटिफिकेशन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सो अजय कुमार भल्ला को इस पद पे 4 बार एक्सटेंशन मिल चुका है और अभी इनका जो टेन्योर खत्म होगा वो 22 अगस्त को खत्म होगा। द ऑफिसर वॉज टू रिटायर फ्रॉम सर्विस इन नवंबर 2020 आफ्टर हिज फिक्स्ड 2 ईयर टेन्योर हैज एंडेड बट हिज टर्म वॉज एक्सटेंडेड इन 2020 थ्रू एन ऑर्डर टिल 2021 एंड ही वॉज देन गिवेन 2 सब्सिक्वेंट 1 ईयर एक्सटेंशन टिल अगस्त 2022 दिस ईयर। सो इनको कई बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है और अब इनका जो टेन्योर है वो खत्म होगा 22 अगस्त को, जिसके चलते ये काफी चर्चा में रहेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, अजय कुमार भल्ला वर्तमान समय में भारत के होम सेक्रेटरी हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।